नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धुराधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है सरकारी नौकरी की जो है पोस्टें निकाली गई हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये पोस्टें किस चीज़ की हैं और कितनी पोस्टें निकाली गई हैं और इनके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने कितनी रखी है और आपको किस एड्रेस में जो है फॉर्म आपको सेंड करना है। तो उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ में हम बताएंगे कि इसमें जो है आपकी कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, तो उसकी भी पूरी जानकारी हम जो है आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। तो जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, हिमाचली हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें आप चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैंने जो है पीडीएफ डाउनलोड करके जो ओपन कर ली है वेबसाइट से। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है ये 10 दिसंबर 2019 को जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई है, तो ये जो पोस्टें जो इन्होंने निकाली है ये डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन में जो है ये पोस्टें निकाली गई हैं। तो इसकी पूरी हम डिटेल में बताते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो इन्होंने शॉर्ट नोटिस जो है ये बता रखा है, applications for the following temporary post are invited on the prescribed form which can be downloaded from the university website। इस वेबसाइट से जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ भी आपको जो है इस वेबसाइट में मिल जाएगी, और इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, तो आप वहां से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और इन्होंने आगे बता रखा है कि जो द प्रोसेसिंग फीस विल बी, जो आपकी जो फीस लगेगी जनरल कैटेगरी की वो 150 रुपये लगेगी, और जो अदर कैटेगरी के होंगे रिजर्व कैटेगरी के तो उनके लिए जो है 40 रुपये जो है फीस लगेगी। ओनली रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड क्लोज सेल्फ टेस्टेड जो कॉपी ऑफ SC ST OBC ऑफ और जो PH सर्टिफिकेट जो है आपको सेल्फ टेस्टेड जो है इसमें जो है अगर अपलोड के लिए मांगेंगे तो आपको जो है ये करने होंगे। और आगे इन्होंने जो बता रखा है कि पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट जो इन्होंने रखी है डेट, तो 26/12/2019 को जो है इन्होंने लास्ट डेट रखी है 5:00 PM तक। तो जो सबसे पहले जो पोस्ट है तो इसमें जो है इन्होंने टोटल 5 पोस्टें निकाली गई हैं, तो मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज जो है इसमें बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले जो है सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कोड एंड डिपार्टमेंट स्टेशन, नेम ऑफ द पोस्ट और इसमें कितनी पोस्टें हैं और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम बताएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल फूड R&D सेंटर एंड डिसमिनेशन ऑफ द डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर द लिवलीहुड न्यूट्रिलाइजेशन सिक्योरिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द फार्म वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने ये डिपार्टमेंट है, तो इसमें जो है इन्होंने नेम ऑफ जो पोस्ट है ये फील्ड असिस्टेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग KVK तबो जो है फील्ड असिस्टेंट की जो है ये पोस्ट है, एक पोस्ट जो है इसमें रखी है UR की। और जो इन्होंने आपको जो सैलरी देंगे ये 11,000 पर मंथ जो है ये आपको सैलरी देंगे, और इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन की जो बात कही है तो इसमें इन्होंने 10+2 एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट वर्क एटलीस्ट 1 ईयर का जो है प्रोडक्ट एटलीस्ट इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और जो आपको उन्होंने नीचे नोट बता रखा है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सेंड हिज हर एप्लीकेशन टू द प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस एड्रेस में जो है इन्होंने बता रखा है ये एड्रेस, तो इसमें जो है आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो सेंड करना है, इन्होंने बताया है यहाँ पे सेंड हिज हर। तो नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, तो वो निकाली है इन्होंने एनहांसिंग फार्म इकोनॉमी इनकम थ्रू क्लाइमेट रिसलेंट सुभाष पलेकर नेचुरल फार्मिंग सिस्टम इन हॉर्टिकल्चरल इकोसिस्टम अंडर प्रकृति खेती कुशल किसान स्कीम। तो ये जो पोस्ट नेम है ये स्किल्ड हेल्पर फील्ड कम लैब असिस्टेंट की जो है ये पोस्ट निकाली गई है, और ये एक पोस्ट है, और इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 15,000 जो है सैलरी दी जाएगी, और 10+2 जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, और वर्क एक्सपीरियंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट में जो है एक्सपीरियंस। और इन्होंने जो एड्रेस लिखा है वो इन्होंने एड्रेस जो है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एड्रेस, तो इन्होंने जो एड्रेस लिखा है एप्लीकेशन टू द डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नीरी हमीरपुर 17701
जो है 17701। पर जो है आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करने हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं, तो ये स्किल्ड हेल्पर की जो पोस्ट निकाली गई है, फील्ड कम असिस्टेंट की। तो ये एक पोस्ट है, 15,000 जो है आपको सैलरी दी जाएगी। 10+2 जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन 1 ईयर इन फील्ड वर्क ऑन वेजिटेबल फ्रूट क्रॉप्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन्होंने जो है ये एड्रेस दिया है जो आप देख सकते हैं। तो इस एड्रेस में जो है आपने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करना है। तो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये पोस्ट जो है ये लैब कम फील्ड जो सुपरवाइज़र की पोस्ट है ये। तो इसमें जो एक पोस्ट रखी है 16,000, इसमें जो है सैलरी दी जाएगी। और इसमें एजुकेशन की क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने बता रखी है, तो BSc होनी चाहिए फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और मेडिकल। इन्होंने जो है ये बता रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और जो इन्होंने एड्रेस बता रखा है वो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट एंड जेनेटिक रिसोर्स, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, UHF, नोनी सोलन। तो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये फील्ड असिस्टेंट अप टू 8/1/2020 एंड लाइकली टू बी एक्सटेंडेड। तो इसके लिए एक पोस्ट है, तो 22,000 जो है आपको पर मंथ जो है सैलरी दी जाएगी। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है, कारपेंटर की ITI, ट्रेंड विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर ड्रायर्स। और कैंडिडेट हैज़ टू विजिट 2 हिल स्टेट्स टू कोऑर्डिनेट विद माउंटेन फार्मर NGO एंड डेवलपमेंट एजेंसीज। और इसमें जो एड्रेस बता रखा है जिस पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, तो प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। तो ये जो 5 पोस्टें हैं टोटल, इन्होंने जो है फिलअप करनी है। तो इसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और नेक्स्ट जो इन्होंने ये बता रखा है कि जो सर्टिफिकेट होंगे, इन एडिशन टू क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट द एप्लीकेंट शुड आल्सो एनक्लोज द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विद हिज हर एप्लीकेशन विच शेल काउंट फॉर मार्क्स इन टर्म ऑफ HP गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो इसकी भी जो है मार्क्स जो है आपको जोड़ेंगे। तो ये सर्टिफिकेट जो है इन्होंने बताए हैं, और इस अथॉरिटी से जो है इन्होंने बता रखे हैं कि उसके जो है इशू होना चाहिए। अथॉरिटी SDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो है, इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। तो इस PDF को जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और आप डिटेल में पढ़ लें। और इसमें जो है इन्होंने सर्टिफिकेट्स के जो है बता रखे हैं कि इसके भी मार्क्स लगेंगे। तो आप जो है कर लें डाउनलोड PDF को, और सर्टिफिकेट्स की भी पूरी जानकारी आप दे लें। अगर मैं इसमें वीडियो में देना पड़ा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है सरकारी पोस्टों जो भरी जाएंगी, YS परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर जो कि सोलन में है। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस के बारे में, और कितनी पोस्टें हैं, और किस डिपार्टमेंट में ये पोस्टें निकाली गई हैं, और क्या कौन पोस्ट के नेम भी मैंने पूरे बता दिए हैं आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस अपडेट के बारे में पता लग सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हिमाचली हो तो सब्सक्राइब तो बनता है, और साथ में लाइक भी जरूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।